गुड आफ्टरनून एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू कंफर्म मी योर अटेंडेंस? इफ समवन इज स्टिल मिसिंग देन जस्ट लेट मी नो. ओके, इट्स 02 07 11 14 15 17 18 एंड देन इट्स जी जी 20. And after 20, it's 23, 24, 26, 27, 30, 36 or 39. इसके अलावा अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा. 28. Sorry? 28 roll number. 28, okay. मैं वो लगी हुई है 28 की. हाँ जी, 28 की लगी हुई है टेंडर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू लॉक माय रूम. नो, ओके, 1 मिनट इज लेफ्ट बिकॉज आई एम यूज्ड टू गिव यू 10 मिनट्स टू एंटर द मीटिंग रूम. आफ्टर 1 मिनट आई विल लॉक दिस मीटिंग सो दैट आई कैन डिलीवर माय लेक्चर विदाउट एनी इंटरप्शन. In meanwhile, I will submit it. Okay, it's 10 minutes now. Going to be lock my room and then we'll submit it. Who's left? So it's done. Many of your students are not going used to take their classes. I am mentioning them many times, but they are not serious. Anywho, class, we have studied about entity relationship models. Do you remember what type of entity relationship we have studied yet? हमने ER models पढ़े थे. किसी को याद है कि कौन कौन से ER models हमने पढ़े थे? We discuss about different type of relationship. There were, चलें और मैं हिंट दे देती हूँ कि we were studied about 3 types of relationship. कौन से थे वो ER model के अंदर? You still don't remember? Class, आप लोगों का midterm कब है? आप लोग तो बड़े non serious हैं. Midterm कब है आपका? मैं अभी कोई पता नहीं, मैम से पूछा मैम शैला से, लेकिन उन्होंने अभी इन्फॉर्म नहीं किया सही. वैसे तो नोटिफिकेशन पे 14 का है. 14 दिसंबर का? जी मैम, ये नहीं पता कि वो यानी कि पहले का या कोविड से जो यानी कि सेमेस्टर से पहले आया हुआ था, तो अब ये नहीं पता कि होने है कि नहीं मिड. ऑलराइट, ओके. लास्ट ईयर आपने मिड दिए थे? नो मैम, वो असाइनमेंट में आ गया था काम यानी कि मिड का. अच्छा 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 ठीक है. एनी हो क्लास, आज के टॉपिक के अंदर हमने फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन पढ़नी है. नॉर्मलाइजेशन जो है वो तो आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगी. एज यू नो, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर व्हेन वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस. तो सबसे फंक्शन डिपेंडेंसीज को समझने से पहले आपको ईआर मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. आप लोगों को यही नहीं पता कि आप लोगों ने कितने ईआर मॉडल्स पढ़े हैं, तो आप बाकी क्या करेंगे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाए थे 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड 1-to-many रिलेशनशिप. ठीक है, हमने इनके मॉडल्स तो ड्रा कर लिए थे, मॉडल्स के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ा था. ठीक है, जब आपको आज मैं सबसे पहले फंक्शन डिपेंडेंसी से पहले ये एक्सप्लेन करूँगी कि आपकी ईआर मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है. बेसिकली
आपके पास जो होता है आप डेटा जो होता है आपको पता है कि टेबल फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन हमने ईआर मॉडल्स के अंदर क्या पढ़ा था, ईआर मॉडल्स के अंदर हमने के एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप ड्रा किए थे, जिसके अंदर हम एंटिटीज को जो है वो यूजुअली टेबल के फॉर्म में ट्रायंगल की ट्रायंगल नहीं होती रेक्टेंगुलर के फॉर्म के अंदर करते हैं, और उसके अंदर हम अपना जो है वो टेबल का नेम राइट करते होते थे कि जैसे मेरे पास अगर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का है तो मैं यहाँ पे उसको जो है वो एम्प्लॉय लिखूंगी, ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय की एंटिटी होती थी, और उसका अगर और दूसरी अगर एंटिटी के अंदर मैं जो हूँ कोई रिलेशनशिप शो करना चाह रही दो एंटिटीज के दरमियान में, तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट की एंटिटी होती थी, और उनके जो दरमियान रिलेशनशिप था वो मोस्टली हम एक डायमंड शेप की फॉर्म में शो करते थे, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास वर्क्स का था, तो हम मैं इसमें अगर दो अगर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज जो है वो किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या वर्क करता है, क्योंकि हम वन टू वन को कर रहे थे, तो हम उसकी जो ईआर मॉडल की डायग्राम थी वो कुछ इस तरीके के साथ शो करते थे, ठीक है। अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कि इस तरह का ईआर मॉडल दिया होता है और पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास इसके अंदर कितने टेबल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जब आपको ईआर मॉडल दिया होगा तो उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप भी दिया होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट अबाउट वन टू वन रिलेशनशिप की कि वन एम्प्लॉय वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या सिनेरियो होगा कि कितने हमारे पास टेबल बनेंगे, उनकी इसके अंदर कौन सी प्राइमरी की होगी और कौन सी फॉरन की होगी। तो इस तरीके से हम अपने ईआर मॉडल्स को जो है वो RDBMS में उसकी इम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं। फॉर दैट इंस्टेंट लेट मी एलैबोरेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई विल आस्क यू कुड यू प्लीज कन्फर्म मी हाउ मैनी टेबल्स आर गोइंग टू बी ड्रॉ ओवर हियर, कितने टेबल्स ड्रॉ होंगे। मैम दो टेबल ही ड्रॉ होंगे। और कोई स्टूडेंट सिर्फ ऐसे नहीं रिप्लाई करना होता है क्लास में से, माना कि वो आपका सीआर है लेकिन कोई और भी मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हाउ मेनी टेबल्स वुड यू थिंक सो वी कैन ड्रॉ ओवर हियर। नहीं पता क्लास आप में से किसी को भी, अच्छा पहला टेबल हमारे पास एम्प्लॉय के है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की आईडी रख लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर हम एम्प्लॉय का नेम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम जो है फॉर एग्जांपल उसकी एज रख लेते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर एंटिटीज ऐड करनी है, तो लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पे E1 है, हमारे पास एक हमारे पास उसका जो हम नेम है एंटिटी का वो हम रख लेते हैं, एम्प्लॉय का नाम रख लेते हैं फॉर इजी एक्सेस की हमने ए रख लिया, और उसकी जो एज है वो हमने जो है वो 20 रख ली, ठीक है। एक टेबल में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, बाकी हम इसी को एलैबोरेट करेंगे। E2 जो है उसका मैंने एम्प्लॉय नेम जो है वो लाइफ फॉर एग्जाम्पल बी रख ली है, ठीक है, और बी की एज जो है वो हमने 20 रख ली है,
ठीक है। इसी तरह मेरे पास एम्प्लॉय थ्री है, ठीक है, उसकी मैंने जो है उसका एम्प्लॉय थ्री का नेम सी है और वो उसकी एज जो है वो हम 28 रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एम्प्लॉय फोर है जिसकी ए, जो कि हमारे पास फिर उसका नेम जो है लाइक के ए ही है और हमने उसकी एज जो है यहाँ पे 24 कर दी। तो अच्छा वैसे ये बताएं मुझे कि क्या दोनों दोनों एम्प्लॉय विद द नेम ऑफ ए कुड बी सेम पर्सन आर डिफरेंट? मैम डिफरेंट। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट? आपको कैसे लगा कि ये डिफरेंट है? मैम बिकॉज एज की वजह से, अच्छा एज की एक की 20, एक की 20 और एक की 24 है। इसके अलावा वैसे नॉर्मली हम किसके साथ उसको देखते होते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट हमारे पहली प्रॉपर्टी के साथ? मैम आईडी उसकी, आईडीज। बिल्कुल, हम अपनी आईडी जो कि हम नंबर्स का उसके साथ जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। वो था और E4 था तो उससे हमें पता चल गया कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, देयर टू डिफरेंट पर्सन जिसका जो है एक जो है वो आपके पास बेशक उनके नेम सेम है लेकिन देयर डिफरेंट एम्प्लॉय आईडीज। अगर हम ये काम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे होते फिजिकली तो इट्स नॉट अ टाइम टेकिंग, लेकिन हमेशा मुझे टाइम टेबल्स ट्रैक करने में मेरे पास टाइम ज़ाया हो जाता है। अच्छा किसी और स्टूडेंट ने मुझे नहीं अभी तक बताया कि हाउ मेनी टेबल्स विल बी ड्रा हियर, किसी को आइडिया नहीं है? अच्छा आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे एक ही आपके पास टेबल है जो कि एक एंटिटी के अंदर एक एंटिटी आपके पास शो हो रही है जो कि आपके पास ट्राइंग रेक्टेंगुलर है और एक आपके पास एंटिटी ये है जो कि आपके पास दूसरा टेबल होगा, लेकिन हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो एक तीसरा टेबल भी वहाँ पे मौजूद होगा जो कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को शो करेगा, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को भी हमने यहाँ पे ड्रा करना है। अब अक्सर क्वेश्चन पैदा होता है कि वो जो तीसरा एट्रीब्यूट होता है लाइक के मोस्टली हमारे पास एम्प्लॉय है तो हमें उसका आइडिया है कि उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा और एम्प्लॉय की एज होगी, और इसी तरह डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स भी जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो हमें पता होते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिलेशनशिप में टेबल आएगा जिसको हम ड्रा करेंगे उसके एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो आपके पास सी आई डी है ये प्राइमरी की है और इसके अंदर आपके पास डी आई डी जो है ये आपके पास प्राइमरी की है बिकॉज बोथ आर आइडेंटिफाइंग द यूनिक नंबर्स, और आप मोस्टली प्राइमरी की को किसी टेबल के नीचे अंडरलाइन लगा के जो है वो शो करते हैं। तो दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी की होंगी वो आपके पास उसके दोनों के एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो आपके पास जो है वो उस थर्ड टेबल के अंदर शो होंगे जो कि इनका रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास यही होंगी कि आपके पास ये E1 है, ये आपके पास E2 है, ये आपके पास E3 है, ठीक है, ये आपके पास E4 है एंड द लास्ट वन इज आपके पास ये E5 है, ठीक है। और इसी तरह E1 जो है वो किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, अब अच्छा हमने डिपार्टमेंट 3 लिखी है तो डेफिनेटली हमें बाकियों की जरूरत नहीं है, लेट मी रेज इट।
हमने तीन डिपार्टमेंट लिखे हैं इसलिए हम तीन का रिलेशनशिप शो कर देते हैं। मैं यहाँ से E1, E2 को भी रेज कर देती हूँ और ठीक है ये आपके पास जो है ये E2 हमने शो कर दिया और हमने कहा कि आपके पास E1 जो है वो आपके पास D1 के अंदर वर्क कर रहा है, E3 जो है ये आपके पास D2 के अंदर वर्क कर रहा है और आपके पास E2 जो है वो डिपार्टमेंट 3 के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है अब आपके पास आपको पता है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की वर्क कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास इस टेबल के अंदर ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये भी आपके पास एज अ फॉरेन की वर्क करेगा और ये आपके पास जो डीआईडी है ये भी इस टेबल के अंदर जो है ये फॉरेन की जो है वो एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। फॉरेन की का क्या काम होता है? क्लास कुछ तो पढ़ लिया करें। आपके पास फॉरेन की जो होता है वो बेसिकली रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं आप उसके बेस टेबल के साथ। अगर मेरे पास यहाँ पे ये जैसे अगर एम्प्लॉय आईडी का एक फॉरेन की मौजूद है तो ये मेरे पास बेसिकली इस एम्प्लॉय के टेबल के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे ये डिपार्टमेंट की आईडी एक फॉरेन की है तो बेसिकली ये मेरे पास डिपार्टमेंट के टेबल के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है क्रिएट कर रहे हैं। आई कैन एक्सेस easily data from employee and department table if I have employee ID and department ID। ठीक है आपके पास question अब आपके mind में आ रहा है कि अच्छा ये foreign keys तो होंगी इनमें से जो है वो primary key इस table work ये जो work table है इसकी primary key कौन सी होगी? तो work table की जो primary key है वो आपके पास दोनों ही जो है ये uniquely identified attribute है और दोनों की value जो है वो repeat नहीं हो रही है तो दोनों में से कोई भी जो है वो आपके पास जो है वो एज अ प्राइमरी की वर्क कर सकती है लेकिन मोस्टली हमारे पास जो लेफ्ट साइड का एट्रीब्यूट फर्स्ट होता है हम उसको एज अ प्राइमरी की लेते हैं उस टेबल की। तो इस वर्क के टेबल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो एज अ प्राइमरी की जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है इसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस टेबल को जो है इसके यहाँ नंबर ऑफ टेबल रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेबल्स को रिड्यूस करने की रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि हम चाहते हैं कि हम बजाय इसके के डेटा को बहुत सारे टेबल्स के अंदर शो करें और वहाँ पे एम्बिग्युइटी के चांसेस जो है वो क्रिएट हों क्योंकि जितना डाटा स्प्रेड आउट होगा उसको उतना ही कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उसको उतना ही संभालना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि हालांकि देखा जाए तो आपके पास जो है ये यहाँ पर डेटा रिपीट ही हो रहा है तो आपसे अगर पेपर में पहले पूछा जाए कि क्या ये टेबल रिड्यूस हो सकते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनका टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है। इनका रिलेशनशिप वन टू वन है यानी कि हर एम्प्लॉय जो है वो हर जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट की टेबल के अंदर एक ही रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट होगा उसका एक से ज्यादा रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है ये आपके पास दरमियान में वर्क का टेबल है साइड भी आपके पास दोनों एम्प्लॉयमेंट और डिपार्टमेंट के टेबल है तो यू कैन सी डेट एवरी वन इज कनेक्टेड विद अदर विद अ सिंगल रिलेशन। ठीक है तो अगर आपके पास वन टू वन रिलेशन हो तो यस यू कैन रिड्यूस नंबर ऑफ टेबल्स ओवर देयर लेकिन किस बेस पे नंबर ऑफ रिड्यूस करेंगे टेबल? आपने उस टेबल की प्राइमरी की जो होगी प्राइमरी एट्रीब्यूट जो होगा प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट होगा वो मर्ज होगा उस टेबल। ठीक है लेकिन इस वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आई डी भी क्योंकि आपके पास यूनिक आइडेंटिफायर और डिपार्टमेंट आईडी भी लेकिन हमने अपने मोस्ट लेफ्ट कॉलम को जो है वो एज अ प्राइमरी की शो किया तो जो एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की वाला होगा वो उसी टेबल के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉय के आईडी के साथ यहाँ पे हमारे पास एक नया एट्रीब्यूट हम मर्ज करेंगे जो कि आपके पास किसको शो करेगा? डिपार्टमेंट के आईडी को शो करेगा। ठीक है डिपार्टमेंट का आईडी जो है वो इस टेबल के साथ अटैच हो जाएगा उससे आप देखें बजाय कि एक नया टेबल क्रिएट हो हम अपने डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे कि ई वन जो है वो किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है? डी वन में तो वी जस्ट नीड टू राइट अ वैल्यू ऑफ डी वन ओवर हियर। ई टू किस में वर्क कर रहा है? डी थ्री में वर्क कर रहा है तो वी जस्ट नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ओवर देयर कि ये डी थ्री में वर्क करता है। ई थ्री किस में वर्क कर रहा है? डी टू के अंदर वर्क कर रहा है तो हम उसके साथ लिख देंगे और जो बाकी जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी
वहां की आप वहां पे आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास नल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इधर भी नल वैल्यू आ जाएगी और इधर भी नल वैल्यू आ जाएगी, और आपके टेबल ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी मैम. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वन, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था ईआर मॉडल के अंदर वन टू मैनी का, ठीक है, यानी कि वन आप एम्प्लॉय चाहिए तो इसके साथ. जी मैम, ये जो E3 D2 इक्वल है, ये तो समझा दें दोबारा. दिस वन यस, ये जो जो मर्जिंग की ये, है. नो मैम, ये जो E1 इक्वल टू D1 और E3 इक्वल टू D2 ये गलत है. आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल बनाई है कि आपके पास लाइक के अगर लाइक मैं आई वांट टू लेफ्ट सम ऑफ एम्प्लॉयज एज अ नल वैल्यू, सो दैट अगर आपको माइंड में हो कि अगर आपके पास तीन ही एम्प्लॉय वर्क करें तो बाकियों के साथ जब हम उस टेबल को मर्ज करेंगे तो उसके अगेंस्ट हम क्या वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, ये आपके पास रैंडम वैल्यू मैंने खुद अज्यूम की है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. वन टू मैनी के रिलेशनशिप में आप क्या करते होते थे कि आपके पास एक एंटिटी जो है वो मोर देन वन रिलेशन के साथ जो है वो कनेक्टेड है. ठीक है, मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ तो आपके पास मिसाल के तौर पे जो आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है, सॉरी कस्टमर जो है वो आपके पास वन कस्टमर कैन बाय नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, अब उस नंबर ऑफ आइटम्स को जो है वो आपने किस तरीके से शो करना है कि आपने यहाँ पे एक आपके आपके पास पेपर के अंदर ईआर मॉडल दिया होगा जिसके अंदर एक तरफ आपके पास कस्टमर होगा और एक आपके पास जो है एक तरफ ऑर्डर की एंटिटी होगी, और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आपके पास जो है वो एक डायमंड शेप के अंदर मेंशन किया होगा कि आ कस्टमर कैन गिव नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो आपके पास ये जो रिलेशनशिप है ये आपके पास गिव का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन ही रिलेशनशिप बनेंगे, तीन ही रिलेशन का वर्ड यूज करूँ तभी आपने उसको समझना है कि वो आपके पास जो है वो टेबल को ही कहते हैं. हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, समटाइम मैनी की जगह पे यू इन्फिनिटी साइन भी आपको दिया होता है, उसका मतलब भी जो होता है वो मैनी है. ठीक है, अब आपसे यहाँ पे आपको यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली कि आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली एक कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट हमारे पास हो सकता है, उसके नेम का एट्रीब्यूट हमारे पास हो सकता है कस्टमर के, और तीसरा जो है वो हमारे पास सिटी का एट्रीब्यूट हो सकता है कि वो कस्टमर जो है वो किस सिटी से बिलोंग करता है. अच्छा, सम टाइम पेपर में ये जो रिलेशनशिप टेबल होता है इसका भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ पे उसका जो एट्रीब्यूट है वो आपके पास डेट का एट्रीब्यूट ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो इस पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपके पास डेट क्यों है. मैंने इनको नहीं लिखा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके पास ऐसे लिप्स शेप के अंदर होते हैं. ठीक है, ये मैं ड्रा नहीं कर रही बिकॉज इट्स अ टाइम वेस्टिंग. तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि जब आपने ईआर मॉडल ड्रा करना है तो आपने एट्रीब्यूट्स को किस फॉर्म के अंदर लिखना है. अच्छा, इसी तरह आपके पास ऑर्डर का है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक आपके पास ऑर्डर नंबर होगा. ठीक है, एक आपके पास जो है वो आपके जो है वो उसकी ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, और आपके पास जो है एक एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल आइटम के नेम का है कि उसने कौन सा आइटम जो है वो बाय किया है, तो हम उसका भी एक एट्रीब्यूट जो है वो ड्रा कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास क्योंकि तीन टेबल ड्रा हो गई इन दोनों की तो आपको समझ आ गई, तीसरे टेबल के अंदर हमारे पास किस किस्म का डेटा मौजूद होगा. तो आपके पास दो तो आपने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स लेने ही लेने हैं. कौन कौन से लेने हैं? आपके पास जो साइड वाले दोनों एंटिटीज शो हो रही हैं टेबल्स की उसके जो उनकी जो प्राइमरी कीज हैं यानी कि कस्टमर आईडी इसके अंदर लाजमी आएगा, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्डर नंबर लाजमी आएगा कि क्योंकि ये दोनों जो हैं ये इन टेबल्स के अंदर एज अ प्राइमरी की वर्क करेंगी.
ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन अंडर दैट सो दैट यू कैन कम टू नो कि ये हमारी प्राइमरी की है। तीसरा जो एट्रीब्यूट है जो आपको पेपर में एग्जामिनर ने दिया होगा, वो आपके पास एट्रीब्यूट जो है वो आपने लिखना है कि ये वाला एट्रीब्यूट है। आल दो किसका कोई काम नहीं होगा, देखिए जब आपने टेबल ड्रा करना है तो एक तीसरा एट्रीब्यूट उसका आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों टेबल्स को ड्रा नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ ये इन टेबल्स के बस ये एट्रीब्यूट होंगी और उनके अंदर उनकी वैल्यूज होंगी। अब आपके पास ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप का, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी का है, यानी कि एक कस्टमर जो है वो एक से ज्यादा ऑर्डर जो है वो बुक करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कस्टमर वन है उसने ऑर्डर नंबर वन दिया, फिर किसी और डेट को उसी कस्टमर ने एक और ऑर्डर दे दिया। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपके पास दूसरा कोई कस्टमर था सी टू, उसने एक ऑर्डर नंबर थ्री दिया और बाद में उसी कस्टमर टू ने जो है वो आपके पास ऑर्डर नंबर फोर दिया। ठीक है, आपके पास इस किस्म का डेटा जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि जो आपके पास गिफ्ट का टेबल है इसकी प्राइमरी की कौन सी होंगी। आपके पास कस्टमर आईडी प्राइमरी की होगी या आपके पास ऑर्डर नंबर प्राइमरी की होगी? कस्टमर आईडी। हाँ जी, कस्टमर आईडी होगी। अच्छी तरह देखें कस्टमर आईडी जो है उसके अंदर वैल्यूज किस टाइप की पड़ी हुई हैं। प्राइमरी की क्या डेफिनेशन है कि हमें किन दो चीजों का ख्याल करना पड़ता है? मैम नल वैल्यू ना और रिपीटेड वैल्यू ना। तो आपको लगता है कि कस्टमर आईडी के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही? मैम हो रही है इसमें। तो फिर नो सेकंड वाला जो वुड इट बी अ प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल? नहीं ना हो सकती, तो फिर कौन सी प्राइमरी की होगी इस टेबल की? मैम जो सेकंड टेबल है कॉलम ऑर्डर नंबर का, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी की होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है, और एक लेकिन ये दोनों यहाँ पे एज अ फॉरेन की भी वर्क करेंगी। ठीक है, इस बात को भी अगर पेपर में फॉरेन की इसका पूछा जाए तो वो भी आपने बताना है कि इस टेबल की फॉरेन की कौन सी है। क्योंकि फॉरेन की क्यों है, क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो है ये आपके पास दो डिफरेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की हम जो है वो शो करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपका रिलेशनशिप का टेबल बन गया। अब मेरे एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया कि प्राइमरी की कौन सा एट्रीब्यूट होगा। कैन वी रिड्यूस दिस टेबल नंबर ऑफ टेबल्स इन दिस सिनेरियो? हो सकते हैं टेबल ऑफ नंबर ऑफ ड्यूज के नहीं हो सकते हैं? क्लास क्या हो गया है? अगर आपके पास प्राइमरी की प्रेजेंस है वहां पे तो डेफिनेटली मेरे नंबर ऑफ टेबल रिड्यूस हो सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि आपने जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है उसको मर्ज कर देना है जिस टेबल की वो जिस टेबल के अंदर वो एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर नंबर है ये आपके पास मर्ज हो जाएगा इसके साथ, और आप जो है वो एक नया टेबल क्रिएट कर आप इसको देख सकेंगे कि आपके पास किस ऑर्डर। अच्छा, इसके अंदर तो ये सच ऑलरेडी प्राइमरी की है। आप मुझे बताएंगे कि किसके साथ होगा मर्ज? इसके साथ ही मर्ज होगा ऑर्डर के साथ ही। ठीक है, जिस टेबल की जो प्राइमरी की है वो उसी के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टेबल ऑफ नंबर जो है वो हमारे पास रिड्यूस होके टू पे चले जाएंगे। इंस्टेड ऑफ थ्री टेबल्स क्रिएट करने के हम जो है वो दो को जो है वो करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जस्ट उस टेबल के साथ जो है आपके पास लिख देनी है कि ये आपके पास कौन सा कस्टमर जो है उसने कौन सा ऑर्डर बुक किया है। तो हम इसको ऑर्डर के साथ जो है वो इजिली मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास
जो रिलेशनशिप है लास्टली जो हमने पढ़ा था, मेरे पास टाइम शॉर्ट रह गया है, आई वांट टू फिनिश इट इन दिस सेशन बट अनफॉर्चुनेटली इट्स लेस देन अ मिनट, आप मुझे प्लीज री ज्वाइन कर लें, लेट मी डू इट. आप लोगों ने एक बात नोटिस नहीं की है कि मैंने आपसे कहा कि ये टेबल जो है ये ऑर्डर के साथ जब मर्ज होगा तो आपके पास ऑर्डर वाले टेबल के अंदर जो है वो ऑलरेडी आपके पास कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपके पास पूरे का पूरा टेबल मर्ज होता है, ये गिफ्ट का पूरे का पूरा टेबल मर्ज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर और इसका जो हमारे पास कॉस्ट और आइटम का नेम है वो तो ऑलरेडी इसके इसके एट्रीब्यूट्स थे ना, कि आपके पास ऑर्डर नंबर भी इसको एट्रीब्यूट था, आपके पास जो है वो इसके साथ इसकी कॉस्ट और आपके पास इसका जो आइटम नेम है वो भी आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है मौजूद था. तो ये टेबल जो है ये क्योंकि जब इसके साथ मर्ज होगा तो जो एट्रीब्यूट इसके अंदर पहले मौजूद होता है वो एट्रीब्यूट जो है वो रिपीट नहीं होता है. आपके पास इसके अंदर जब इस तरह मर्ज होकर शो होगा तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे कस्टमर आईडी और डेट जो है ये इसके साथ आपके पास शो हो रहे होंगे. तो यू कैन वेरी इजीली वॉच दैट कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किस डेट को जो है वो बुक करवाया था. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आप जो टेबल मर्ज करेंगे सबसे पहले हमेशा याद रखें कि आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्राइमरी की है. प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखते हुए अपने एट्रीब्यूट की प्राइमरी की सेलेक्ट करनी है. वंस यू विल डन दैट, सेकेंडली यू विल सी दैट कैन वी मर्ज दिस टेबल. तो आपने जिस टेबल जो रिलेशनशिप का टेबल है उसको मर्ज करने से पहले चेक करना है कि वो किस टेबल के साथ मर्ज होगा. तो आपने माइंड में रखना है कि जो एट्रीब्यूट उसका प्राइमरी की वाला जिस टेबल से रिलेट करता होगा आपने उस टेबल के अंदर उसको मर्ज करना है. ठीक है, वंस यू विल डन दैट तो आपके पास रिपीटिशन ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं होती है. आपके पास जो रिपीटिशन वाला एट्रीब्यूट है वो शो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नंबर का ऑलरेडी एट्रीब्यूट उस टेबल के अंदर मौजूद था. तो सिर्फ कस्टमर आईडी और डेट जो है वो यहाँ पे मर्ज होंगी. ठीक है, थर्डली आपके पास जो है वो एआर मॉडल्स के अंदर आता है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप. ठीक है, मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो एंटिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर आपके पास मसाफ के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन टेक टू मैनी कोर्सेज. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास उसकी जो ईआर मॉडल की डायग्राम है वो आपके पास कैसे दी होगी कि आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे होंगे. ठीक है, और आपके पास दूसरी जगह पे जो है वो आपके पास कोर्स होगा. ठीक है, लेट मी राइट कोर्स इन दैट और उनके दरमियान आपके पास जो रिलेशनशिप शो हो रहा होगा. ठीक है, उनके साथ इन स्टडी का जो है वो एक रिलेशनशिप हम बनाते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी मैनी कोर्सेज. ठीक है, तो ये जो डायमंड वाला रिलेशनशिप को शो करते हैं इसके अंदर मेरे पास जो है वो एक स्टडी का टेबल बन गया. ठीक है, अपने माइंड में बात रखनी है कि आपके पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो आपके पास मैनी टू मैनी का है, यानी कि वन स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन नंबर ऑफ कोर्सेज. ठीक है, मैनी टू मैनी को हम जो है वो एम टू एन शो करते हैं. आपके पास अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के, अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट होंगे तो कैन समवन टेल मी कि कौन कौन से एट्रीब्यूट इसके हो सकते हैं. आपके पास उसका रोल नंबर हो सकता है.
ठीक है, आईडी हो सकती है, नहीं रोल नंबर और या स्टूडेंट आईडी की जगह आप आई कीवर्ड यूज करेंगे, या आप उसकी स्टूडेंट आईडी यूज कर लें उसका एट्रीब्यूट हेडिंग दे दें, या आप रोल नंबर दे दें, ठीक है, उसका नेम होगा, उसकी उसकी एड्रेस हो सकता है, ठीक है, या उसकी एज हो सकती है, और इसी तरह कोर्स आईडी के अंदर आपके पास कोर्स के टेबल के अंदर उसका कोर्स आईडी होगा, और आपके पास एक जो है वो जो नेसेसरी पार्ट है वो उसका रोल नंबर होगा, जो कि हमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है नहीं वो हम उसके नेक्स्ट के अंदर डालेंगे। यहाँ पे कोर्स आईडी होगा, आपके पास कोर्स का नेम होगा, क्योंकि अभी ये जो चीज़ है ना ये मुझे रिलेशनशिप में शो करवानी है, ठीक है, कोर्स आईडी होगा, कोर्स का नेम होगा, और आपके पास मैक्सिमम हो सका तो इसके जो है वो क्रेडिट आर्ट्स शो हो जाएंगे, कितने क्रेडिट आर्ट्स के, ठीक है। अब बात आती है स्टडी की, ठीक है, जब आप स्टडी के एट्रीब्यूट्स ट्रैक करेंगे तो मैंने आपको बताया उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स तो आने ही आने हैं, अगर खुद कोई गिवन एट्रीब्यूट नहीं है तो वो दो एट्रीब्यूट कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, आपके पास जो है वो आपके पास एक जो है वो स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा, जो कि हम स्टूडेंट की टेबल से लेंगे, वो यहाँ पे एज अ फॉरन की वर्क करेगा, और वो रोल नंबर हमें बताएगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, तो उसकी कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास कोर्स आईडी से आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि रोल नंबर वन जो है वो मेरे पास कोर्स जो है वो C1 पढ़ रहा है, ठीक है, और रोल नंबर टू जो है वो मेरे पास कोर्स जो है वो C2 पढ़ रहा है, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा वन जो है वो तो मेरे पास C2 भी पढ़ रहा है, ठीक है, C1 तो पढ़ रहा है, C2 भी पढ़ रहा है, ठीक है, और रोल नंबर टू जो है वो मेरे पास C1 भी पढ़ रहा है, ठीक है, या मेरे पास एक और रोल नंबर ऐड कर लेते हैं 3, वो मेरे पास कोर्स 3 पढ़ रहा है। अब इस सिनेरियो के अंदर आपके पास सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये, तो यहाँ पे तो हमें समझ आ गई जो है कि वो आपके पास इसके अंदर ये इसकी प्राइमरी की है और कोर्स की टेबल के अंदर CID जो है वो इसकी प्राइमरी की है, इस स्टडी के टेबल के अंदर कौन सी प्राइमरी की होगी, इस रेफरेंसिंग टेबल यानी कि जो रिलेशनशिप टेबल है इसके अंदर कौन सी प्राइमरी की होगी, रिलेशनशिप भी मैनी टू मैनी का है, और दोनों क्या दोनों एट्रीब्यूट जो हैं वो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, रोल नंबर में रेपिटेशन आ रही है, दोनों में रेपिटेशन आ रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों के अंदर रेपिटेशन आ रही है, इट्स मीन के दोनों जो हैं वो मेरे पास एज अ प्राइमरी की वर्क नहीं कर सकते, दोनों प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी की प्रॉपर्टी कहती है कि ना रिपीटिशन हो और ना ही आपके पास नल वैल्यू हो, लेकिन डेफिनेटली कोई तो की ऐसी होगी जो मुझे बताएगी कि क्या ये दोनों स्टूडेंट जो हैं ये एक ही है ये दो हैं, तो उसके लिए मुझे कोई यूनिकली आइडेंटिफायर तो उसके ऊपर लगाना पड़ना है, तो हम जहाँ पे आपके पास एक एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की प्रॉपर्टी को फुलफिल ना कर रहा हो वहाँ पे हम जो हैं दो एट्रीब्यूट्स को जो है एज अ प्राइमरी की करते हैं वर्कआउट, ठीक है, वो प्राइमरी की जो है, और लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम दो एट्रीब्यूट्स को कह रहे होते हैं कि वो एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा तो उसको वहां पे प्राइमरी की जगह पे वर्ड लगाते हैं कंपोजिट की का, ठीक है, जो अब हमने दो एट्रीब्यूट्स को एज अ प्राइमरी की जो है वो बनाया तो आपके पास यहाँ पे वो एज अ कंपोजिट की जो है वो वर्कआउट करेगी, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की वैल्यू को फुलफिल नहीं कर रहा, हमने वहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स को एज अ जॉइंटली प्राइमरी की वर्कआउट करेगा, क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये भी एक अलग पर्सन है जो कि C1 पढ़ रहा है और यही पर्सन मेरे पास कोर्स C2 पढ़ रहा है, तो मुझे दोनों की जरूरत है, और ये एज अ कंपोजिट यहाँ पे की वर्क करेगा। और लास्टली क्वेश्चन मेरा है कि कैन वी रिड्यूस आवर टेबल्स ओवर हियर, क्या हम अपने टेबल्स को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं,
क्लास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना में जवाब तो दें। हम अपने टेबल्स को यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही नहीं। मेरे पास जो है वो ये टेबल इसको इससे रिलेट कर रहे हैं मेरे पास, और दूसरा टेबल जो है वो मेरे पास इस टेबल से रिलेट कर रहा है, तो किसको मैं किसके साथ मर्ज करूंगी? तो इन दैट कंडीशन जहाँ पे आपके पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है एंड वी डोंट हैव एनी प्राइमरी की इन दैट रिलेशनशिप, we can't merge our tables, we can't reduce number of tables, okay? This is called the implementation of ER model in RDBMS, ठीक है? तो आपके पास इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ाऊंगी। फंक्शनल डिपेंडेंसीज और नॉर्मलाइजेशन एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन से पहले फंक्शन डिपेंडेंसी आप अगले लेक्चर में समझेंगे। तो फिर हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा थर्सडे को, वो इंशाल्लाह ताला आपका प्रैक्टिकल लेक्चर होगा। क्लियर? इंशाल्लाह।